तो खबरों की रफ्तार अभी जारी है, फिलहाल छोटे से ब्रेक की बारी है। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। नूह मेवात में अतिरिक्त उपायुक्त लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में विभिन्न देशों में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक में अबू धाबी के उपसचिव प्रेमचंद तालीम के प्रथम सचिव मनोज शर्मा, एल्गोरिथम के प्रथम सचिव विश्वासनाथ गोयल समेत कई राजदूतों ने हिस्सा लिया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रेणु सोगन ने विभिन्न राजदूतों को बताया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन आदि में बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को इनका लाभ देना है। यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हेल्थ और एजुकेशन दो चीजें हैं जिनसे कि सोसाइटी आगे बढ़ती है। सरपंच साहब हमारे साथ हैं, हमने इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो लड़कियों को पढ़ाएं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो लड़कियां पढ़ने में लड़कों से आगे हैं, अभी इस एरिया में लड़कियां थोड़ी पीछे चल रही हैं। तो हमारी ये गुजारिश है सरपंच साहब से कि वो लोगों को प्रोत्साहन करें कि लड़कियां पढ़ें, उनकी हेल्थ पे ध्यान दें, जिससे कि ये पूरी सोसाइटी आगे बढ़े। सरकार के अथक प्रयास है कि ये जिला बाकी जिलों की तरह आगे जाए। अभी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को भी पता होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट जो कि कई पैरामीटर में पीछे रह गए हैं, जिनको की सरकार चाह रही है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से वो कंधा मिला के चले। तो उसके लिए जरूरी है सारे समाज का योगदान होना। तो सरपंच साहब ने भी बताया कि वो बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, सीवरेज से रिलेटेड। तो अगर ये सारा समाज मिलके इन चीजों को बढ़ाएगा, जो सरकार की नीतियां, सरकार ने बहुत फैसिलिटी दी है, उनकी फैसिलिटी का हमें सिर्फ फायदा उठाना है। अगर हम वो फायदा उठाते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट की आज मीटिंग हुई थी उसके अंदर हम सभी IFS ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई दूसरी लेवल पे और उसको डिटेल में डिस्कस किया गया। पता लगा हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एक पिछले रिपोर्ट आएगी 5 साल पहले की, 18 में कहाँ थे, अब हम बहुत अच्छे हो गए। एक टाइम में तो ऐसा था कि दिसंबर में हमारा रैंक फर्स्ट था, जस्टिशन डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले थे, ऊपर थे, अब थोड़ा सा नीचे आए हैं। ये अलग अलग से रैंक है, मतलब कि आप जितना भी हाई स्कोर करते हो कोई और डिस्ट्रिक्ट जैसा आगे करता है तो आगे जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हम कर रहे हैं कंसिस्टेंस है, ये नहीं कि एक दिन से पूरा कर लिया अगले दिन खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हम बिल्कुल कंसिस्टेंट कर रहे हैं जैसे होना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे से ठीक है, सारे खुश हैं कि हाँ ठीक है, जो हमारे बीच में हो रहा है हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, हर काम बढ़िया हो रहा है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन देखिए।